गाइस क्या आपका शॉर्ट्स का यूट्यूब चैनल है और आप उसमें शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो, जैसे कि आपका फैक्ट टेक या गेमिंग का चैनल है, लेकिन कुछ लोगों को क्या कहते हैं शॉर्ट्स को वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है, शॉर्ट्स को अच्छे से एडिट कैसे करते हैं ये नहीं पता। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट्स वीडियो को एडिट कैसे करते हैं मोबाइल फोन की मदद से एकदम अच्छे तरीके से। सो इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। दोस्तों चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बढ़ते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर काइनमास्टर में आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एडिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ एयरप्लेन मोड ऑन लगाते हैं। ये काइनमास्टर का लेटेस्ट वर्जन है जिस पे मैंने वीडियो बना रखी थी कैसे डाउनलोड करना था, लेकिन वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी कुछ रीजंस की वजह से। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको शॉर्ट्स वीडियो को एडिट कैसे करना है। न्यू प्रोजेक्ट लेना है 9:9:16 रेशियो का, ये जो आपको दिख रहा होगा यही वाला शॉर्ट्स का मतलब, अगर आप इसमें वीडियो एडिट करोगे तब भी आपकी वीडियो शॉर्ट्स में जाएगी यानी शॉर्ट्स सेक्शन में जाएगी। और इसमें भी एडिट कर सकते हो, इसमें भी एडिट कर सकते हो, लेकिन जो मेन साइज होता है वो होता है 9:16 रेशियो का। तो इसमें ही आपको अपनी शॉर्ट्स वीडियो को ज़्यादातर एडिट करना है और सारी शॉर्ट्स वीडियो इसी में ही एडिट की जाती हैं। तो उसके बाद क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पर जैसे आप क्रिएट पे जाओगे तो आपको अपनी वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मेरी वीडियो थी यहाँ पर, मैं शॉर्ट्स में आपको कोई सा भी एडिट करके दिखा देता हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जैसे ये वीडियो है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसे एडिट कैसे करना है। रुक जाओ, हाँ ये वाली वीडियो नहीं है, दूसरी वाली वीडियो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वीडियो है जिसे मुझे एडिट करना है। हाँ ये वाली वीडियो है, तो इसे मैंने ऐड कर लिया है। अब मुझे ना इसे पहले जूम करना है, यानी ये तो बहुत छोटे में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप इस पर टैप करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैन एंड जूम का, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद दोनों अपनी दोनों फिंगर से आपको इस तरीके से ड्रैग करना है। तो इस तरीके से जैसे आप ड्रैग करोगे इस आपका जो स्क्रीन होगी वो यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है डन। यहाँ पर जैसे आप डन कर दोगे तो यहाँ पर दोनों पिक्सल मिलेगा, इक्वल का साइन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से होगा क्या कि आपका जो दोनों मतलब ये जो वीडियो है आपके स्टार्टिंग में भी और एंड में भी इसी पोजीशन पर रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो है। और यहाँ पर मेरे को एक टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि ऊपर बहुत बंदे लिखते हैं नीचे लिखते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट लिख देते हैं वेट फॉर ट्विस्ट का, जैसे यहाँ पर ट्विस्ट, यहाँ पर वेट फॉर एंड लिख सकते हो वेट फॉर ट्विस्ट, या फिर वेट फॉर विक्टर्स चाल, या फिर ये। तो उसके बाद फ़ॉन्ट आपको चूज़ कर लेना अच्छा सा, तो सन सेरिफ फ़ॉन्ट आप यूज़ करना। तो मेरा पर्सनल फेवरेट है यहाँ पर पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो एसेट स्टोर से। और बाकी आप यहाँ खुद का भी फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर आप खुद का भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप वेट फॉर ट्विस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अपना अच्छा सा आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप भी इस तरीके से लिख सकते हो, आपको यहाँ पर जैसे आप इसे बीच में सेंटर में सेट कर देना, तो यहाँ पर आपको इसे फिर पूरा एंड तक ले जाना अपनी वीडियो के, जहाँ पर एंड तक, जैसे यहाँ पर आपका एंड तक जहाँ पर भी आपको वीडियो चाहिए वहाँ तक आपको एंड पे ले जाना। यहाँ मुझे विक्टर तक चाहिए, यहाँ पर मेरे को वीडियो चाहिए, तो यहाँ तक मैं इसे ट्रिम कर लूँगा और इसे भी मैं यहाँ तक ट्रिम कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा टेक्स्ट हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपको इमोजी ऐड करना होता है यहाँ पर नीचे, तो मैं आपको बताता हूँ इमोजी कैसे ऐड कर सकते हो। मीडिया वाले पे जाना है, इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ इमोजीज वाला कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरीके से पूरी वीडियो में यहाँ पर आप इमोजी भी ऐड कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे पूरी ओवरऑल वीडियो में मेरे को ये वाला इमोजी ऐड करना है, तो यहाँ पर पूरी ओवरऑल वीडियो में मैं यहाँ पर इस तरीके से इमोजी ऐड कर सकता हूँ। और इसका मैं जो पूरी वीडियो में रहेगा तो इसका ओवरऑल एनिमेशन मैं फ्लिकर रख देता हूँ, या फिर मैं ब्लिंक स्लो स्लो, या फिर जिटर का कुछ इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन नन कर देंगे यहाँ पर। और जैसे अगर आपको बीच में कोई इमोजी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मेरे को चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर तुरंत मेरे को इमोजी चाहिए था, जैसे मैंने इसे मुक्के से पीस से मार दिया और ये बीचों बीच में चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लेकर आऊँगा और यहाँ पर इमोजी लेकर ऐड करूँगा और यहाँ पर इन एनिमेशन यहाँ पर मैं पॉप कर दूँगा। और मैंने पिछली एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने वीडियो एडिटिंग के ट्रिक्स बताई थी यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो मैंने उसमें एक चीज़ बोला था वीडियो इफेक्ट्स के साथ में आपको SFX यूज़ करना है, यानी कि साउंड इफेक्ट्स यूज़ करना है, यानी वीडियो के हिसाब से अगर कोई चीज़ आपके सामने आ रही हो, टेक्स्ट आ रहा हो या फिर कोई फोटो आ रही हो, कोई इमेज आ रही है, तो उसके हिसाब से आपका एक स्विस साउंड होना चाहिए, SFX होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको एक SFX मिल जाएगा, तो जो कि मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर SFX पे जाऊँगा, यहाँ पर आपको स्विस वाला ढूंढना है, यहाँ पर आपको मतलब मेरे को ढूंढना है, आपको तो मिल जाएगा। तो ये वाला स्विस टचिंग साउंड इफेक्ट, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डाउनलोड के लेना, इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वाला। तो यहाँ पर पहले मैं इसे इसकी साउंड ऑफ कर देता हूँ जिससे मेरे को पता चल जाए इसका इफेक्ट।
तो कोई सा भी यहाँ पर साउंड इफेक्ट देख सकते हो। तो मेरे को ये वाला साउंड इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा, या फिर मैं पॉप वाला यूज़ कर दे देता हूँ। तो मैं ये वाला साउंड इफेक्ट यूज़ करूँगा, थोड़ा फनी भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये वाला साउंड इफेक्ट यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ले जाऊँगा इसे, और स्टार्टिंग में ले जाने के बाद यहाँ पर जहाँ पर मेरी वीडियो है, जहाँ पर मेरे को अपनी वीडियो में चाहिए, और यहाँ पर ट्रिम टू पहले जो बेकार का वाड़ा से ट्रिम टू राइट प्लेहेड कर देते हैं, और यहाँ पर अपनी वीडियो के इस स्टार्टिंग में आपको जो यहाँ पर इमोजी है उसके वहाँ पर लगा देना है, जिससे आपको मैच हो जाए पूरा अच्छे से। तो यहाँ पर जैसे ही पॉप होगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब इस वीडियो को हम साउंड ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आप साउंड इफेक्ट मतलब ये इमोजी लगा सकते हो। और बीच में अगर आपको कोई वो चाहिए, क्या कहते हैं कि आपको कोई मीम चाहिए, जैसे आप मीम लगाते हैं बहुत बंदे, तो आपको लेयर वाले आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है फिर से, और यहाँ पर आप मीम भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको मीम डाउनलोड करना नहीं आता तो मेरे को बता देना, मैं इस जितने मीम्स हैं मैं इसका पूरा पैक बना के आपको यूट्यूब पर दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। बाकी आप देख सकते हो ये वाला मीम, तो यहाँ पर मैं ये वाला मीम यूज़ करने वाला आ रहा हूँ, ये वाला मीम मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो जैसे इसे पहले क्रॉप कर, इसे मैं थोड़ा सा क्रॉप करूँगा क्योंकि पूरा मीम नहीं है ना, तो इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इस मीम को यहाँ पर जूम करूँगा, तो यहाँ पर मीम ऐड हो चुका है, देख सकते हो जैसे कि यह ऐड हुआ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप मीम भी ऐड कर सकते हो अपनी वीडियोस में, बहुत अच्छा लगता है। और ओवरऑल अगर आप कोई भी वीडियो में साउंड इफेक्ट यानी कुछ मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए फनी वाला, तो यहाँ ऑडियो में जाकर आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने रखे थे बहुत सारे साउंड इफेक्ट शॉर्ट साउंड, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहे, शायद मेरे को कहीं मैंने खो दिए लगता है। मैंने कुछ फनी साउंड रखे थे बहुत अच्छे वाले, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, मैं उसका पैक दे देता, लेकिन नहीं है। आप यहाँ पर कोई वॉइस ओवर कर सकते हो, जैसे कि आपको वॉइस ओवर करना हो अपनी वीडियो में, जैसे बहुत बंदे वॉइस ओवर करते हैं, तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड पे जाकर वॉइस ओवर कर सकते हो। और बाकी आप कोई फैक्ट्स का चैनल बना रहे हो तो उसमें भी आप सेम चीज़ें ये सारी ऐसे कर सकते हो, टेक का चैनल में भी ऐसे कर सकते हो। बीच में कोई चीज़ इमेज दिखानी हो तो इमेज आप तुरंत पॉप एनिमेशन लगाकर पीछे बैकग्राउंड में एक साउंड इफेक्ट लगाकर यूज़ कर सकते हो। आप बीच में कोई भी ऐसे मीम वीडियो ऐड कर सकते हो, आप नॉर्मल तरीके से आप इस तरीके से पूरी शॉर्ट वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट वीडियो को आखिरकार एडिट कैसे करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। सो गाइस, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और चैनल को जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सो गाइस, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गाइस बाय।